हेलो दोस्तों, यह है हमारी एचटी मोटर। इसे एचटी मोटर कहा जाता है। यह मोटर 6.6 किलो वोल्ट से चलती है। यह इस मोटर का गियर बॉक्स है मैकेनिकल गियर बॉक्स। यह मिल में यूज़ की जाती है। इसमें इसे कूलिंग करने के लिए ट्यूब्स लगी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। यह इसका यहाँ पे इस मोटर की स्टार वाइंडिंग की जाती है। और यह हम मोटर में आगे देखते हैं कि यह देखिए आप, यहाँ पर इस मोटर में तीन टर्मिनल बॉक्स होते हैं, जो कि एक मेन टर्मिनल बॉक्स होता है। ये जो भी आप देख रहे हैं, यह LRS का टर्मिनल बॉक्स है। और ये जो है LRS का लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस। लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस का मोटर एचटी मोटर में किया जाता है। और यह मेन टर्मिनल बॉक्स है, जो कि हमने मेन ब्रेकर से आई है। इसके अलावा इस मोटर में बहुत सारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ट्रांसमीटर वगैरह लगे होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। टेम्परेचर गेज से लेके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जिससे कि मुझे मोटर की गतिविधि के बारे में पता चलता है। वह मोटर स्लिपरिंग मोटर होती है, जो मैं आपको अभी इसकी स्लिपरिंग दिखाऊंगा। ये देखिए, स्लिपरिंग दिखाते हैं हम आपको। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको मोटर की स्लिपरिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इस मोटर को हाई वोल्ट पे चलती है। इसके लिए यहाँ पे कूलिंग के लिए फ़ैन लगा के रखते हैं। अब हम LRS की तरफ जा रहे हैं, लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस, जिससे मोटर से निकल के दो केबलें उसमें भी जाती हैं। ये मैं आपको स्टार्टर दिखाऊंगा इसका। यह रहा, ये इसका स्टार्टर है। मेन ब्रेकर, इनकमर, जैसे ये वाला इनकमर है, ये ट्रांसफार्मर का है। और ये वाला अपना रॉ मिल का मेन ड्राइव मोटर है का ब्रेकर है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ है यहाँ पर। अंदर वायरिंग वगैरह की हुई है। देखकर के यहाँ पे प्रोटेक्शन रीजन ये इसके अंदर लगा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि हर चीज़ का टेम्परेचर बताता है। एक से लेकर आठ तक के इंडिकेशन होते हैं इसमें। अलार्म उल्टी होने का भी इंडिकेशन दिया जाता है। अमीटर है, मोटर बंद है अभी। मोटर प्रोटेक्शन रिले, एंटी बम रिले ऊपर दिए गई है। ट्रिपल प्रोटेक्शन रिले, सीटेक का मीटर, एक किलो वाट यूनिट एम्पियर सब देखने के लिए। ट्रिपल न्यूट्रल क्लोज सर्किट है। ये सब आपको इसमें मिलेंगे।